हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ रायता, वो भी लौकी का। तो आजकल लौकी में कुछ ज़्यादा ही खाने लग गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने जीरा, राई, हरी मिर्च, हींग और करी पत्ता डाल के इसके बाद में इसको मिला दिया, भून लिया, और इसके बाद में डाल दिया लौकी। लौकी में थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। अगर ये जो मैं बना रही हूँ, ये लौकी को भून रही हूँ, ये अगर ज़्यादा बच जाए तो आप पराठा बना सकते हैं, या आटे में गूंथ के जो है ऐसे रोटियाँ भी सेक सकते हैं। तो बस यहाँ पे नमक डाल दिया है, नमक डाल के इसको ढक देंगे। तो नमक हल्का सा कम ही डाला है, क्योंकि बाद में हम जीरा और काला नमक डालेंगे। तो एकदम पक गया जब, तो इसको जो है गर्म ही है और दही है ठंडी, तो फटाफट इसमें डाल के तुरंत तुरंत इसको दही को मिला देंगे, क्योंकि फट जाए, जिससे भी फटे नहीं, ये दही न फट जाए। अगर ऐसे डालेंगे तो दही फट सकती है। तुरंत तुरंत जितनी ज़रूरत है उतना मिला लिया, और जब बच गया तो आटे में भर के पराठे बना लीजिए लौकी के। और ये देखिए, जीरा, भुना जीरा और काला नमक, ये पीस के रखती हूँ हमेशा, रायते में बहुत टेस्ट देता है। ऊपर से धनिया पत्ते डाल दीजिए, मस्त एकदम रायता बन के तैयार हो गया। इसके बाद में कपड़े बहुत थे, कपड़े पीछे बहुत डाल रखे थे, ऊपर से फिर धोने भी थे, यानी कलर्ड कपड़े उतारूंगी, और जो है ये जो वाइट कपड़े जो बाद में धोया उसको सारा फिर से डालूंगी। तो इधर तो कपड़े धुल गए हैं, ये कल के कपड़े हैं, सूख गए हैं, तो मैं इसको फोल्ड करके फटाफट अंदर करती हूँ, उसके बाद में उन कपड़ों को डाल देती हूँ। दोबारा डाल दिया, पहली बार का निकाल दिया पूरा, और वाइट कपड़े सारे डाल दिए। तो भाई हो गया, सुबह का एक बहुत बड़ा काम होता है, कल के कपड़े उतारे सारे, फोल्ड किए, और आज के कपड़े सारे डाल दिए। अभी तो लॉन्ड्री बास्केट बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने, देखो लॉन्ड्री बास्केट एकदम खाली कर दिया है। और भाई माइक लगा लगा के कबाड़ बेचने खरीदने वाले, मतलब खरीदने वाले माइक लगा लगा के हल्ला करते हैं। वीडियो कुछ भी बनाओ ना, तो आजकल म्यूट करने का मन करता है, म्यूट करके बनाओ तभी हो पाएगा। तो चलो, सुबह सुबह मैंने बना लिया था रायता चावल, तो आज ये नाश्ता है। क्योंकि ज़्यादा कुछ नाश्ते में बनाता तो फिर खाना ढंग से नहीं खाते बच्चे, लेट सो के भी वो उठते हैं, आजकल स्कूल जा नहीं रहे, उनके मॉड फेस्ट होने वाला है, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं ये, तो आराम से सो के उठते हैं, रात में देर से सोते हैं, तो उल्टा सीधा सारा रूटीन हो रखा है आज। तो आज का प्रोग्राम मेरा है, आज सुबह मैं योगा नहीं गई हूँ, शाम को जाऊँगी। तो सुबह सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जाके जो भी शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कुछ काम है घर के, किचन के, बच्चों के दिवाली पहनने के लिए एक दो कपड़े लेने हैं, तो वो चल के अपन ले आएंगे। तो देखती हूँ, स्वाति से बोलती हूँ, यही है कि एक बच्चे का शाम को एक बच्चे का सुबह उल्टा सीधा रहता है ना, तो एक ही जा पाएगा। ऐसे कब से सोच रही हूँ कि दोनों छुट्टी हो तो दोनों साथ में चलें, नहीं हो पा रहा है। तो बिबू का तो नाप ले चलूँगी और उनके लिए ले आऊँगी, और उन्हें कोचिंग में छोड़ के जाऊँगी, कोचिंग में लेने के टाइम तक वापस आ जाऊँगी उनको लेते हुए। ऐसा प्रोग्राम है आज का। फिलहाल मैं करती हूँ नाश्ता और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे रवि को बुला रखा है, क्योंकि मैंने सोचा अभी लाइट लगवा दूँ, अभी फ्री थे, तो ये सारे लाइट जो अपने रखी रहती हैं हर साल निकाल के लगाते हैं, कभी कभी कोई खराब निकलती है, तो इसमें तो एक खराब निकली और सारी सही है, सारा चेक किया। उसके बाद मैंने कहा रवि से कि इसको जो है बालकनी में लगा दो, तो आगे तो लगा दिया, लेकिन पीछे का भी रह गया, वहाँ इतने कपड़े डले थे, तो वहाँ पे लगाना थोड़ा सा मतलब सेफ नहीं था, और फिर चढ़ते तो फिर वो गीले कपड़े वो हो जाते हैं ना, गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए पीछे छोड़ दिया, आगे की तरफ अभी लगवा दिया। इधर बिबू नाश्ता कर रहे हैं, साथ में जो है चीला भी बना दिया है, क्योंकि बिबू को नहीं खाना था चावल और वो सब, तो इनके लिए बना रही हूँ चीला, जो कि ये खा रहे हैं सॉस से। तो ये बेसन का चीला वैसे तो हेल्दी होता है, जरा सूजी डाल के बना रही हूँ, सूजी और वो बेसन। तो लो बीबू खा लेते हैं, और
मैं उधर लाइट लगवा लूंगी, और साथ में ये भी बनता रहेगा चीला भी। चीला तो अपने आप होता रहता है, बस डाल के ढक देती हूँ। और ये इस तवे पे ना बड़ा आराम से आप ये मान लो बिना ऑयल के आप यूं फैलाओ और ढक दो, एक तरफ पक जाएगा, बस पलट दो। ये डोसे वाला तवा है ना, इस पे इतना आसान है चीला बनाना कि क्या बताऊं मैं। बिल्कुल भी इसमें जो है ना तो पकड़ता है और ना ही जो है मतलब वो चिपकता नहीं है, जैसे लोहे वाले तवे पे होता है ना कि चिपक जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे लाइट लगवा के उसके बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। दिवाली पे कुछ नहीं कपड़े नहीं विभू अभी नहीं गुड्डा आए। दोनों के हाँ लिए, ये देख तो सो उनको कोचिंग से थोड़ा पहले निकली रही हूँ, जिससे कि उनकी अगर क्लास छूटेगी भी तो एक छूटेगी, नहीं तो बाद वाली क्लासेस वो ले लेंगे। हंसता नहीं अरे मेरे मुंह हंस को भी दबा लो, लेता हंस है। भी लो। अरे बहुत नाटकबाज हो गए। कल क्या हो ना, अमेज़न पे देख रहे हैं ना, प्रदीप का दिन कैलाश से ढंग से बात नहीं कर रहा था, कैलाश साइकिल नहीं दिलाया था, अभी चोरी हो गई थी ना नीचे किसी की साइकिल, बोले तेरी भी हो जाएगी, नहीं दिला तो भाई साहब बात ही नहीं कर रहे उससे। कैलाश बोले मेरे से बात करना बंद कर दिया, बोला इन्होंने जल्द तू सेलेक्ट कर ले, कल से वापस हमने हमारे बात करना स्टार्ट कर और फिर क्या है ना अमेजन पे कुछ सर्च करता है तो पहले क्या करता है 55,000 की साइकिल निकाली है भाई का, उसमें था ना 2 वीलर आ जाएगा। चलो इससे बड़ी तो बाइक बोल रही हूँ मैं, ले नहीं रहा हूँ मैं तो उसे दिखा रहा था। अच्छा मौसी मेरी जो वहाँ क्या कहते हैं बीर सिंहपुर में आई ना साइकिल, हाँ 53,000 की 30,000 में मिली थी, बहुत ही फेस्टिवल की सेल बहुत बड़ी थी, ग्रेट इंडियन सेल जो अभी चल रही है, ऐसा कुछ था अमेज़न की जो भी सेल चल रही है ना बड़ी है। तो हम लोग वेस्ट साइड आ गए हैं ऊपर, क्या लाल स्वेटर कहाँ है पहले इसी के देखो, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मम्मी दीदी भी बहुत छुट्टी लेती हैं, एक छुट्टी लेने दो ना, देख रहे हो चलो चलो चल देखें इनका पहले फिर देखेंगे टाइम बच रहा है कि नहीं, मैं छुट्टी ले रहा हूँ ना ठीक है। नहीं ना कहाँ चला जा रहा है, यार इसका बटन निकला जा रहा है क्या अपने से, ऊपर किया मैंने खुल गया, ये देखो ये भी है यहाँ तो अस्तर रहता है, अस्तर क्या होता है। देखो इधर देख, तो यहाँ पे दिवाली की पूरी मतलब की जो कलेक्शन है था ना बहुत ही सुंदर, देखिए ये उर्ली है जो कि दरवाजों पे वाटर मतलब पानी डाल के जो है उस पे फूल वगैरह लगाते हैं, ये देखो कैंडल स्टैंड है बुद्धा के साथ में, और ये कैंडल स्टैंड्स हैं, वास हैं, सब इतने सुंदर सुंदर सारी चीजें थी।
तो खैर मेरा घर तो छोटा है, ये देखिए ये गमला जो रखते हैं यानी पॉट रख देते हैं, तो उसके लिए बहुत सुंदर है। ये देखिए सब इतने सुंदर सुंदर चीजें थी कि लग रहा था कि हाँ ये ले लें, लेकिन अपने घर में तो, हमारे घर में तो कहीं जगह ही नहीं है, और इतना छोटा घर है ना कि इसमें ज्यादा सामान रख दो तो एकदम भरा भरा सा हो जाएगा। इसलिए मैं तो, मुझे तो खैर मेरी जरूरत की नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी। ये देखिए ये सब भी उसी उसी के लिए, सजाने के लिए ही, भगवान के पास में फ्लावर डाल के जो रखते हैं ना, वो पानी डाल के वो सब। और ये देखिए ये कढ़ाई जो थी, मतलब सारी चीजें एक तरीके से बहुत ही सुंदर कलेक्शन मुझे दिखा है। वो कर्टेन और इसके अलावा वो चादरों का, और क्विल्ट्स थी, क्विल्ट के बहुत अच्छी अच्छी क्विल्ट थी। तो यहाँ पे टाटा वेस्ट साइड में बहुत ही बढ़िया बढ़िया, और ये कप का मतलब कप इतने सुंदर सुंदर, वो ये मिल्क मग थे, कॉफी मग थे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे थे। अच्छा तो लग रहा है, इधर थोड़ा, इधर आना थोड़ा। मेन चेंजिंग रूम में स्मेल आ रही है, इसलिए विभू का मुंह बना हुआ है उसको वहां पर कह रहा था, अब बदबू आ रही लेडीज थी। सेक्शन में आ गई हूँ, गुड्डा के लिए कुछ देख लेती हूँ। गुड्डा को कोई एक एथनिक जो कि मतलब दिवाली के दिन पहन सके वो दिलाना है। अब देखो इसमें से क्या पसंद आता है। स्वाति गुड्डा को लेके पजामा, नहीं जीन्स पहनेगा, पजामा क्या पहनेगा। गुड्डा कौन सा पसंद आया, क्या पसंद आया, कुछ पसंद आया। दोनों में से जो तेरे को बेस्ट लगे वो तू ले। तो यहाँ पे एक भी कुछ भी कपड़ा नहीं हो पाया। लास्ट में लौट के बुद्धू घर के आए, घर चल रहे हैं, अब देखते हैं घर पे हो जाए तो। तो अभी लाइटें जला के मैं चेक कर रही थी, अच्छा लग रहा है, रवि ने बढ़िया लगा दिया है इसको। ये देखिए मस्त एकदम, रात में बहुत सुंदर लग रहा है पूरा बालकनी।